आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप देख रहे होंगे कि आज मैं थोड़ा, मेरा मन था मेकअप करके वीडियो बनाने का, तो मैंने थोड़ा करा। वैसे तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। पिछले 6-7 दिनों से तबीयत बिल्कुल, देखो आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी लग रही होगी। आज बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, मगर मैंने कोशिश करी उठ के वीडियो बनाने की। बोला भी नहीं जा रहा, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है सॉरी, बोलने में भी दिक्कत सी हो रही है। बट फिर देखिए, आप मेरी आंखें देख सकते हो, आंखों में से पानी सा आ रहा है, मगर फिर भी मैं देखिए इतनी रेडी शेडी होकर मैंने वीडियो बनाया आज से, क्योंकि मैं रेडी शेडी होकर वीडियो बनाया करूँगी तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आज कैसी लग रही हूँ वो भी बताना। क्योंकि इस लुक को करने में मुझे, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल 1% भी नहीं आता है। मैंने देखी उल्टी, वैसे आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी, देखिए, क्योंकि 1% भी बहुतों को तो आता होगा, बट मुझे 1% भी साड़ी पहनना नहीं आता है, और फिर तबीयत ठीक नहीं है। तो आप मेरी वॉइस को इग्नोर करना और बस मेरे जो मेरी अंदर की भावना उस पर फोकस करना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मतलब 1% भी नहीं आता, बट फिर भी मैंने ये लुक क्रिएट किया है और वीडियो बनाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट प्यार दो अपना, क्योंकि ब्लॉग नहीं आ पा रहे क्योंकि तबीयत ही सही नहीं है मेरे हस्बैंड की, मेरी, दोनों में से किसी की तबीयत सही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार दें, क्योंकि मैं वहाँ से उठ के बताए इधर क्यों आई हूँ खिड़की में से ना अरे यार, वीडियो कहीं पर भी छुप के बना लूँ, फिर भी पता नहीं लोगों की नज़र कैसे पड़ जाती है। बट अपने अंदर रखो, जज्बा रखो, क्या करना है तो करना ही है। पर अभी मगर मैं इतनी खुलकर नहीं आ पा रही हूँ जितना आना चाहिए, मतलब यूट्यूबर को, क्योंकि ना मैं किसी के सामने वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब मैं किसी के सामने नहीं बनाती थी, और अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं बनाती, बट थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, मगर इतनी प्रॉपर। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड, देखिए मेरे हस्बैंड की कारस्तानी, मैं सब तय करके इसमें रखती हूँ। बट उन्हें चाहिए, क्योंकि ना मैं खाना बनाती रहती हूँ सुबह, तो उन्हें चाहिए कि जल्दी जल्दी बस। तो उन्होंने यहाँ पे टांग रखे, मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड ख़राब कर रखा उन्होंने इस वजह से। और अभी थोड़ा मुझे अपना कमरा भी डेकोरेट करना है, पहले तबीयत सही हो जाए फिर उसके बाद करूँगी और मेरी साड़ी कैसी लग रही है? वैसे ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, जीवन में मैंने एक ही साड़ी लिया वो भी ये। अगर मेरे को पहनना आ गया तो फिर तो मेरे पास साड़ियों के ढेर हो जाएंगे, उसकी कोई वो नहीं है। मगर आप लोग सपोर्ट दो, प्यार दो, और मैंने आज वीडियो डाली है बहुत प्यारी प्यारी, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो मेरे चैनल पर नए हैं लाइक दो यार, प्यार दो, मेहनत को सपोर्ट करो यार। तो बस यही था ब्लॉग के, बस कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, लग रही हूँ ना। वैसे मैं करवा चौथ का, मतलब वो जैसे नई नई अवेली दुल्हन वगैरह तैयार होती है ना, कल मैंने काफ़ी लोगों को देखा, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी ना आज मतलब थोड़ा सा तैयार शेयर होकर बनाऊँ। हालत नहीं थी, हालांकि बिल्कुल भी हालत नहीं थी। सुबह रात को दवाई खाई है मैंने 12 बजे, क्योंकि 12 बजे कोई शॉप ओपन नहीं थी। वो जो नॉर्मल सी दवाई होती है, मतलब हर घर में मिलेगी सर दर्द बुखार वगैरह की, तो मेरे को अचानक से ना रात में बुखार चढ़ता है और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। कोल्ड फीवर, मतलब नाक इतनी तरीके से बंद हो जाती है, इतना सांस लेने में भी दिक्कत आती है, और पहले मतलब बोलने में भी, देखो मैं कैसे हाँफ रही हूँ। अमन कर रहा है ना इसे जल्दी से उतारूँ और टी शर्ट लोअर में आऊँ, अपने कंफर्टेबल होकर सो जाऊँ। हालत नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब, बिल्कुल हालत नहीं है। बट आप अपना सपोर्ट और प्यार दो यार, सपोर्ट करो, वीडियोज़ को लाइक वगैरह कर दिया करो, आपको एक लाइक करने में क्या जाता है, तो लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना। ब्लॉग को करते हुए यही एंड, अब कोशिश करूँगी कि आपके लिए डेली ब्लॉगिंग कर पाऊँ। डेली ब्लॉगिंग यार हो ही नहीं पाती, क्या करूँ, तबीयत ही नहीं सही रहती, तो डेली ब्लॉगिंग कहाँ से करूँ। कि आजकल घर में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं सही रहती हूँ तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है, हस्बैंड सही रहते तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, पता ही नहीं क्या हो रहा। ऊपर वाला हमसे ज़्यादा गुस्सा है शायद, ऊपर वाले इतना गुस्सा भी होना अच्छी बात नहीं है यार। क्या करूँ, मतलब माइंड काम नहीं करता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलिए, तो आप ज़्यादा भावनाओं में ना बहते हुए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और अभी मैं थोड़ी देर में लाइव भी आऊँगी, क्योंकि लाइव आ नहीं पा रही काफ़ी दिन से, और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आप लाइव आया करो, तो प्लीज़। और कमेंट में ये ज़रूर बता देना लग कैसी रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय।